नॉनस्टॉप 0.2। हाय फ्रेंड्स, आप VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू स्क्रीन रेकर करते हो तो आपके जो माउस पॉइंटर है ना, वो दिखाई नहीं देती। देखिए, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था VLC मीडिया के थ्रू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ अभी। देखिए, यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट किया था मैंने, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो पॉइंटर है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा मोबाइल पे काम करते हैं ना, उस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप पॉइंटर को कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए आपके एक पॉइंटर को, माउस पॉइंटर, बहुत सारा माउस पॉइंटर है, वो डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप है पॉइंटर का, वो अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कैसे आपको ये अटैच करेंगे VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू, वो देख लीजिए। तो वीडियो को अच्छे लगे तो दोस्तों एक तो लाइक तो कर दीजिए, और अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक भी बटन है, उसको भी दबा दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले आपको तो VLC मीडिया प्लेयर ओपन करना होगा। देखिए दोस्तों, मेरा VLC मीडिया प्लेयर मैं ओपन कर लेती हूँ। देखिए, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए टूल्स, ये टूल्स वाला ऑप्शन पे आपको जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस, और शॉर्टकट की है Ctrl+P, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का एक इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। उसके बाद आपको देखिए शो सेटिंग, शो एक थोड़ा सा डाउन नहीं, टोटली डाउन में आप देख सकते हो। यहाँ पे शो सेटिंग सिंपल ऑल, ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना होगा Input/Codes। यहाँ पे आपके देखा जाए एक्सेस मॉड्यूल, इसके ऊपर जो छोटा सा डाउन एरो की है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए डाउन एरो ड्रॉप डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट पैनल पे आप देखिए स्क्रीन इनपुट, यहाँ पे जो फॉलो द माउस, इसको आप टिक मार्क लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने इस पॉइंटर को जो सेव किया था, डाउनलोड किया था, इस पॉइंटर को यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे ब्राउज करके आप पॉइंटर जहाँ पे भी रखा है, उस लोकेशन को यहाँ पे अटैच कर दीजिए। मैंने तो डेस्कटॉप के ऊपर रखा था, यहाँ पे डेस्कटॉप। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप, इस माउस पॉइंटर को मैंने सिलेक्ट करके ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे उसके बाद आपको कुछ चेंजेस करना होगा। देखिए, यहाँ पे मीडिया प्लेयर के अंदर जाइए, यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे स्ट्रीम के अंदर। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, किसी को नहीं चूज करना, ओनली फॉर स्ट्रीम। स्ट्रीम को जाएंगे, उसके बाद आपको जाना होगा कैप्चर एंड डिवाइस। नेक्स्ट कैप्चर मोड, आपको डेस्कटॉप मोड के ही रिकॉर्ड करना है, तो डेस्कटॉप मोड सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फ्रेम रेट, यहाँ पे आपको फ्रेम रेट ज़्यादा 30 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्योंकि मेरा 32-bit सिस्टम ऑपरेटिंग चल रहा है, तो मेरा 30 से ज़्यादा नहीं होगा। 64-bit के अंदर 60 होगा। ठीक है, मेरा 32-bit इसलिए 30 से नहीं ज़्यादा होगा। देखिए मैंने 60 डाल रहा हूँ, देखिए दोस्तों 60 नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि 30 मेरे हाई है। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रीम, देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 से ज़्यादा रखना होगा। रखेंगे तो आपका जो वीडियो क्वालिटी है, फ्रेम रेट है, वो अच्छा होगा, नहीं तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगा। उसके बाद आपको स्ट्रीम पे क्लिक करना होगा। स्ट्रीम के क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सारी ऑप्शन रहने दीजिए। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड जो ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो ब्राउज ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली आपके सामने दिखाई देगा। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा आप इस वीडियो को कहाँ पर आप सेव करना चाहती हो। देखिए दोस्तों, मेरा तो डेस्कटॉप में ही सेव करके दिखाऊंगा आपको। तो डेस्कटॉप के अंदर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एक फाइल का नाम लिख देती हूँ, नॉनस्टॉप, मेरा चैनल का नाम 0.2 मैंने नहीं रखा। उसके बाद सेव, उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रेजुलेशन, आपका जो रेजुलेशन, कितने रेजुलेशन का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1080 पिक्सल है, 720 पिक्सल है, तो मिला, मैं एक नॉर्मल सा चूज कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा।
नेक्स्ट के क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है, मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए क्रिएट कर लिया, उसके बाद इसको तो फिर से मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद इस रिकॉर्ड को मैंने सिंपली क्लोज कर दिया। देखिए दोस्तों मेरा जो वीडियो कैप्चर हुआ था डेस्कटॉप के अंदर, देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो कैप्चर हो गया। देखिए नॉन स्टॉप करके वीडियो मैंने करके जो फाइल क्रिएट किया था इसके अंदर वीडियो आ चुका है। इसको सिंपली डबल क्लिक किया, ओपन किया, देखिए दोस्तों मेरा जो वीडियो है, देखिए माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, देखिए माउस पॉइंटर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और माउस पॉइंटर को अच्छी से माउस पॉइंटर आप ढूंढ के लगा दीजिए, और आपका जो रिकॉर्ड VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे तो आपका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। और एक बात, VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू ही करेंगे तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगा और कोई भी सॉफ्टवेयर बाय करने की जरूरत नहीं होगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।